हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर फातिमा रिजा गायनेकोलॉजिस्ट आपसे बात करने वाली हूँ पीसीओडी के बारे में। जी हाँ, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आखिर क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, अगर आपको पीसीओडी है तो आप कैसे जानोगे कि आपको पीसीओडी है, ये सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और महिला स्वास्थ्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी महिलाओं से शेयर भी करें ताकि उन्हें भी मेरे चैनल में मिलने वाली जानकारी से फायदा पहुंच पाए। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पॉली मतलब काफी सारे, सिस मतलब ऐसा आवरण कि जिसके अंदर फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ भरा हुआ है। ओवेरियन मतलब ये सारी चीजें कहाँ है, महिला के अंडाशय के अंदर है। तो महिला के अंडाशय के अंदर ऐसे काफी सारे सिस्ट बन रहे हैं, काफी सारे ऐसे आवरण बन रहे हैं कि जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तरल पदार्थ भरा हुआ है। ये सिस्ट को हम सादी भाषा में गांठ या रसोली भी बोल सकते हैं, लेकिन ये और गांठों से इस तरह से अलग है कि उसकी साइज स्मॉल होती है। ये गांठे कहाँ से आई अंडाशय में? महिला में नॉर्मली क्या होता है कि हर महीने एक स्त्री बीज एक अंडा अंडाशय में से निकलता है, वो प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। पीसीओडी में हार्मोनल इनबैलेंस, हार्मोन का असंतुलन होता है और उसकी वजह से काफी सारे स्त्री बीज एक साथ मैच्योर होने की कोशिश करते हैं, बड़े बनने की कोशिश करते हैं, अंडाशय से फूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट ये आता है कि कोई भी एक स्त्री बीज मैच्योर नहीं हो पाता और जो स्त्री बीज इनमैच्योर है वो सारे अंडाशय के बाहरी सतह पर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और ये इमेच्योर जो स्त्री बीज है, फोलिकल्स है, वही सिस्ट की तरह नजर आते हैं। अगर हम ये पेशेंट की सोनोग्राफी करके देखेंगे तो उसमें हमको मोतियों का जो हार होता है इसे मोती की तरह सारे फोलिकल इसे सर्कल में नजर आएंगे, जिसको हम नेकलेस ऑफ पर्ल अपीयरेंस बोलते हैं, मोतियों की हार माला। तो ऐसा पिक्चर बना क्यों? जैसे कि मैंने बताया कि हार्मोन का इम्बेलेंस होता है। हार्मोन क्या है? हार्मोन शरीर के ऐसे केमिकल है कि जो शरीर में अलग अलग फंक्शन में अपना योगदान देते हैं। उसमें से एक हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है कि हमने जो भी खाना खाया उसमें से ग्लूकोज को ले लेना और वो ग्लूकोज से शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है कि इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। इंसुलिन बॉडी में पड़ा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो शरीर ये कंडीशन को कंपेंसेट करने की कोशिश करता है और इंसुलिन बनाता है, जिसको हम हाइपर इंसुलिनेमिया बोलते हैं। तो ये इंसुलिन बढ़ जाने की वजह से अंडाशय पे एडवर्स इफेक्ट होता है। अंडाशय में क्या हो जाता है कि अंडाशय में से मेल हॉर्मोन, पुरुष का जो सेक्स हॉर्मोन होता है, वो पैदा होने लगता है। आमतौर पर महिला में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के दो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, लेकिन ये कंडीशन में काफी ज्यादा मात्रा में पुरुष का हार्मोन पैदा होता है, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं, और ये कंडीशन को एंड्रोजन एक्सेस वाले कंडीशन या फिर हाइपर एंड्रोजनिज्म बोलते हैं। तो महिला में ये पुरुष का एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाने की वजह से शरीर में अलग अलग जगह पर पुरुष की तरह बाल आने लगते हैं। चेहरे पे बाल आएंगे, छाती पे बाल आएंगे और बेक पर, आर्म्स पर, सभी जगह पर बाल उगते हैं और वो हार्ड होते हैं। नॉर्मली वैसे शरीर पर फाइन हेयर्स तो रहते ही है, लेकिन पीसीओडी में ये नहीं होता। पीसीओडी में हार्ड हेयर जो कठिन होते हैं, टर्मिनल हेयर जिसको बोलते हैं, इसे बाल उगने लगते हैं, जिसको हम हर्सियुटिज्म बोलते हैं। इसके अलावा ये मेल हॉर्मोन बढ़ने की वजह से महिला में बाल झड़ने की समस्या होती है, उनके मुंह पे खील मुहासे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अंडाशय में से स्त्री बीज नहीं बन रहा है, मैच्योर नहीं हो रहा है और ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, इसकी वजह से पीरियड डिले हो जाते हैं, पीरियड चढ़के आते हैं। महिला को अंदाजा नहीं रहता कि उसकी साइकिल कितने दिनों की है, क्योंकि हर बार पीरियड अलग अलग दिन पर आते हैं और ज्यादातर डिले ही होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि पीरियड हेवी हो जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसे पीरियड इरेगुलर हो जाता है। कुछ महिला को 2 महीने पर आएंगे, 3 महीने पर आएंगे। कभी कभी महिला इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाती है कि उसको प्रेगनेंसी है या पीरियड ऐसे ही डिले हुए हैं। अगर आपको पीरियड ऐसे डिले हो रहे हैं, पीरियड आपको टाइम पर नहीं आ रहे हैं,
तो आप गायनेक को जरूर दिखाइए, क्योंकि पीसीओडी हो सकता है। और कंडीशंस भी होती है और रीजंस भी होते हैं पीरियड डिले होने के, लेकिन आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको चेक करके आपको बताएंगे कि टॉप में क्या कंडीशन है और आपके केस में पीरियड को कैसे रेगुलर करेंगे। शरीर में ये हार्मोन की गड़बड़ी होने की वजह से आपके शरीर का वजन भी काफी बढ़ जाता है और आपको वेट लूज करने में भी काफी दिक्कतें आती है। आपको थकान रह सकती है, आपका मूड खराब रह सकता है। जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो तो आपको प्रेगनेंसी रहने में भी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अंडा नहीं बन रहा है, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। और अगर ओव्यूलेशन भी होता है तो वो भी इनइफेक्टिव होता है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ऐसी सारी कंडीशन पीसीओडी के साथ देखने को मिलती है। आपको काफी ज्यादा खराटे आ सकते हैं और इसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसको बोलते हैं, ऐसी कंडीशन भी पीसीओडी के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। चलिए, आपने लक्षण तो जान लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीसीओडी एक ऐसा रोग है कि जो काफी ज्यादा मिस डायग्नोस होता है, उसका गलत डायग्नोसिस होता है। या तो किसी महिला को पीसीओडी नहीं है और लोग बता देते हैं कि उनको पीसीओडी है, और किसी महिला को पीसीओडी है फिर भी वो डायग्नोज नहीं होता है, उसके बदले में कुछ और डायग्नोज हो जाता है, या फिर महिला का पीसीओडी डिटेक्ट नहीं हो पाता है, उनको पता ही नहीं है कि उनको पीसीओडी है। पर पीसीओडी का सही डायग्नोसिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने ये लक्षण बताए, ऐसी सारी डिफिकल्टी तो महिला को रहती ही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लक्षण के अलावा महिलाओं को लॉन्ग टर्म मोर्बिडिटी का भी सामना करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म इससे क्या समस्याएं महिला को हो सकती है, तो ये महिलाएं जैसे जैसे टाइम जाता है और 40 तक पहुंचती है, तब उनको डायबिटीज, हार्ट डिजीज या फिर स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती है। कुछ महिलाओं को बच्चेदानी का कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए पीसीओडी को नियंत्रित रखना काफी जरूरी है, और इसीलिए पीसीओडी का सही डायग्नोसिस भी जरूरी है। मेरे पास ओपीडी में छोटी छोटी लड़की आती है और बोलती है कि मुझे पीसीओडी है। मैं पूछती हूँ कि कैसे पता चला कि आपको पीसीओडी है, तो वो अपने सोनोग्राफी मेरे हाथ में थमाती है और बोलती है कि देखो सोनोग्राफी में आया है, दिखाया है, और सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज लिखा हुआ होता है, पर क्या ये पीसीओडी है? जी नहीं, अकेली सोनोग्राफी से हम पीसीओडी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। चेहरे पे बाल ज्यादा आ रहे हैं, खिल मुहासे है, अकेली वो चीज से भी हम पीसीओडी डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। तो पीसीओडी का सही डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं, हम डॉक्टर पीसीओडी को कैसे डायग्नोस करते हैं? हम तीन चीजें देखते हैं, तीन में से दो चीजें अगर हो तो हम पीसीओडी का डायग्नोसिस बनाते हैं। सबसे पहले तो सोनोग्राफी, कि अगर सोनोग्राफी में जैसे मैंने बताया कि नेकलेस ऑफ पल अपीयरेंस, मोतियों की ऐसी हार माला दिखती है और पीसीओ आता है, पीसीओ का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, वो पीसीओडी नहीं है, तो वो एक फीचर हो जाता है लेकिन पीसीओडी का। दूसरा, अगर आपके मुंह पे काफी ज्यादा खिल मुहासे आ रहे हैं, आपके हेयर लॉस हो रहे हैं, या फिर लेबोरेटरी के टेस्ट में हमने लेबोरेटरी के ब्लड टेस्ट कराए और उसमें हमको ये पुरुष का हार्मोन काफी ज्यादा मात्रा में मिला, तो हम बोलेंगे कि पीसीओडी है। मतलब कि दो लक्षण हो गए, सोनोग्राफी और ये हार्मोन का लेवल, या फिर ये क्लिनिकल फीचर कि जिसमें खिल मुहासे आ रहे थे, आपके बाल झड़ रहे थे, ये दो चीजें हैं, तो पीसीओडी डायग्नोस हो गया। या फिर ये दोनों में से कोई एक चीज है और उसके साथ हमें देखने को मिलता है कि आपके पीरियड इरेग्युलर है, पीरियड चढ़कर आ रहे हैं, तो वो एक तीसरा फीचर है पीसीओडी का। तो ये तीन में से कोई भी दो चीजें होती है तो हम डॉक्टर पीसीओडी का डायग्नोसिस बनाते हैं। लेकिन हम पीसीओडी के डायग्नोसिस पे ही नहीं रुक जाते हैं। अगर किसी के अनियमित पीरियड है तो हम थायराइड भी करा के देखते हैं और प्रोलैक्टिन भी देखते हैं, क्योंकि ये सारे भी पीरियड डिले होने की वजह हो सकती है। थायराइड में वेट गेन भी होता है और प्रोलैक्टिन की वजह से भी पीरियड डिले हो सकता है, तो हम दूसरे कॉजेस भी रूल आउट करते हैं। हम कुछ टेस्ट डिफिशियंसी देखने के लिए भी कराते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी डिफिशियंसी से पीसीओडी होता है, तो डिफिशियंसी की भी हम जांच करते हैं ताकि हम अच्छे से ट्रीटमेंट प्लान कर पाए। ऐसा हार्मोन का इम्बेलेंस क्यों हो जाता है, तो उसकी वजह बताई जाती है आनुवंशिक, जीनेटिक, आपके जीन्स में पीसीओडी है, आपकी फैमिली में चला आ रहा है, पर कोई जीन इनहेरिट भी करते हैं, हमको वारसागत तौर पर कोई जीन मिलते भी है,
तो वो जीन तभी एक्सप्रेस होते हैं जब एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट करता है। तो वो एनवायरनमेंट क्या है? वो एनवायरनमेंट है हमारी गलत जीवन शैली। जी हाँ, हमारे जीन में तो है, लेकिन हमारी जीवन शैली उसके साथ गलत है तो वो आग में घी का काम करता है और हमें PCOD हो जाता है। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन सही रेंज में होना चाहिए। आप अगर ओवरवेट है, ओबेस है, तो आपको PCOD होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी चीज है हमारे खान पान के गलत तरीके। अगर आप काफी ज्यादा तला भुना हुआ खाना खाते हो, बाहर का खाना काफी ज्यादा खाते हो, पैकेज फूड खाते हो, कुछ भी चीज जो प्लास्टिक में आती है वो PCOD करा सकती है। इसके अलावा जंक फूड जिसमें काफी ज्यादा चीज, बटर, मायोनीज वगैरह रहता है, वो भी PCOD को ट्रिगर कर सकते हैं। आप बिल्कुल बैठे रहते हो, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी है, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो, वो भी PCOD होने का कारण बन सकता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आजकल पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, हर चीज़ में केमिकल्स आ गए हैं, तो वो केमिकल वाले परफ्यूम, होम क्लीनर्स, वो सब भी हमारे हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। आप ठीक से नींद पूरी नहीं करते, रात रात जग कर स्क्रीन पे, मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो इससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है और आपको PCOD का खतरा बढ़ जाता है। तो PCOD बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। पुराने जमाने में PCOD इतना नहीं होता था। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।